कि यहाँ पे ये रोड यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है या वहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ से फायदा होगा आपको ये बताइए। यहाँ से बनना चाहिए तो फायदा है, लोगों को फायदा है ना। अभी ये रोड टेम्परवरी बना है, ये रोड फिर अभी खराब हो जाएगा। कारण हमेशा हमारे सामने आया है कि वहाँ से शुरू होने का क्या कारण है और यहाँ से शुरू होने का क्या कारण है, ये कारण है। लेकिन इस कारण के बीच में कहीं ना कहीं राजकारण जो है जोरों शोरों से चल रहा है। और ये रास्ते उसी टाइम हमारे पीरियड में मंजूर थे, ठीक है, उसका इनॉग्रेशन या भूमि पूजन कौन करता है इससे कुछ ये नहीं है। ये फंड जब तक वो काम नहीं होगा लैप्स नहीं होने वाला। वो काम जब अभी कुछ कुछ काम में टेक्निकल सैंक्शन में अड़चने आ जाती है तो काम रुक जाते हैं, लेकिन वो फंड वो रिटर्न नहीं जाता है। महाराष्ट्र सरकार हो या किसी भी बजट को एक साल रखा जाता है, सालाना बजट बनता है। कोई बजट 17 से इंतज़ार नहीं करता कि 21 में उसका उद्घाटन होगा। खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, 17, 18, 19 आप क्या कर रहे थे और आज आमदान बन के मैं उद्घाटन कर रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे टोकना चाहूँगा कि ये जो आप बोल रहे हैं कि जो फंड सैंक्शन हुआ है रोड्स के लिए, तो ये MLA निधि का फंड नहीं है, ये जो MMRDA का मतलब जो डेवलपमेंट का फंड है ये। बाधवट तलाव के लिए 3,07,00,000 का निधि मंजूर किया है। वराल देवी तलाव के लिए उसका सुशोभीकरण करने के लिए 6 करोड़ के डिमांड किया। और भिवंडी का जो हमारे मीनाताई ठाकरे हॉल जो है निर्माण करेंगे नया निर्माणिति के लिए 25 करोड़ की डिमांड हमने की है, वो भी जल्द से जल्द उन्होंने पूरा करने का वादा किया है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। अब घर बैठे अपनी कार को शानदार लुक देने का तरीका हुआ और भी आसान, क्योंकि कैप्टन कार एक्सेसरीज वंजार पट्टी नाका भिवंडी आपको दे रहे हैं फ्री होम पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस। म्यूजिक सिस्टम या विंडो कवर या सीट कवर या अन्य कार एक्सेसरीज के जरिए अपनी कार को मॉडिफाई करवाने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आज ही कॉल करें और अपनी कार को स्वर्ग बना दें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में सबका स्वागत है। कल हमने एक न्यूज़ कवर की थी जहाँ पर हमने बताया था कि सलाउद्दीन स्कूल से नायगांव गावठन का जो रोड है वो मंजूरी हुआ था कंक्रीट के लिए, वो कंक्रीट का रोड बनना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो सलाउद्दीन स्कूल से ना स्टार्ट होते हुए वो बीच से स्टार्ट हुआ था। तो हमने वहाँ पे दोनों पक्षों की राय रखी, मतलब दोनों लोगों की वहाँ पे, कि जो लोग चाहते थे कि ये बीच से स्टार्ट हो और जो लोग चाहते थे कि सलाउद्दीन स्कूल से स्टार्ट हो, तो वहाँ पे हमने दोनों लोगों से बातचीत की थी। लेकिन आज हम यहाँ पे आए हमारे ex MLA जो थे हमारे रुपेश दादा, तो उनसे हम बात करेंगे कि क्योंकि ये जो काम है एक्चुअल में उन्होंने ही पास करवाया था, तो हम उनसे बात करेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुआ, क्या निधि थी और इसके पीछे की क्या सच्चाई है। तो दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रोड था ये कहाँ तक पास हुआ और ये कब सेंक्शन हुआ था, कौन से साल में। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं Vice TV News का मनपूर्वक शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनता का, लोगों की जो समस्या है, जनता की आवाज़ रखने का काम आप करते हो और वो समस्या को छुड़ाने का काम करते हो, इसके लिए आपका अभिनंदन और शुक्रिया। और आपने जो सवाल पूछा है तो ये MMRDA का निधि है। MMRDA के माध्यम से जो 52 रोड मंजूर थे उसमें से 9 रोड जो मंजूर हुए थे इस पर मेरे नाम से, क्लियर कट आप देख सकते हो, मेरे नाम से 9 रोड मंजूरी हुई थी। इसमें से 5 रास्तों का जो है टेंडर पहले हुआ था, 5 रास्तों का काम भी हुआ, जिसमें अपना नई बस्ती का रास्ता है कल्याण रोड से लेके कब्रस्तान तक, नई बस्ती का रास्ता वो आज कंप्लीट हुआ है। और मुझे वहाँ जाते वक्त आनंद होता है कि पहले इतनी बड़ी समस्या थी आने जाने के लिए, आज वो समस्या छूट गई है। ऐसे 5 रास्तों का काम पहले हुआ था और 4 रास्ते जिसमें अवचित पाड़े का रास्ता है, अवचित पाड़ा खंडूपाड़ा है, आम पाड़ा से लेके अवचित पाड़ा के लिए 1 करोड़ रुपया मंजूर हुआ था, और जो अंसारी मेडिकल से खंडूपाड़ा तक का इसके लिए 5 करोड़ रुपया मंजूर हुआ था, और जो भुसावल रास्ता से लेके नागांव गावठान और सलाउद्दीन स्कूल इसके लिए निधि पास हुआ था 3,70,00,000 का। ये रास्ते कॉन्क्रीट के होने की वजह से इनको जो MMRDA ने निधि दिया था ये निधि कुछ थोड़ा सा कम था। अच्छा, वो कम होने की वजह से वो रास्तों का जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं पूरा रास्ता नहीं हो पा रहा है, वो लेंथ कम कर दिए।
तो जो रास्ते बन रहे हैं, मेरा इसमें खास करके कहना है कि ये वो काम जो है हमने वर्क किए थे पीडब्ल्यूडी को, तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से, हमारे कॉरपोरेशन के सिटी इंजीनियर से हमारी बात हुई थी, और इसमें ये जो रास्ते हैं, ये रास्तों की जहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, शुरू से लेकर जितना भी लेंथ होता है उतना काम करके बाकी का जो रास्ता बचता है उसके लिए हम जो वाड़ी निधि है, एक्स्ट्रा निधि जो है उसकी भी डिमांड किए हैं। अच्छा। और ये रास्ते उसी टाइम हमारे पीरियड में मंजूर थे, ठीक है, उसका इनोग्रेशन या भूमि पूजन कौन करता है इससे कुछ ये नहीं है, कुछ लोग श्रेय लेने के लिए भी काम करते हैं, हमारे उसमें कॉरपोरेटर लोगों ने भी कॉरपोरेशन से परमिशन लेके उसका भूमि पूजन किया था, चाहे कोई भी करे काम लोगों के लिए होना चाहिए। दादा मैं ये पूछूंगा आपसे कि ये जो बीच में से जो रास्ता शुरू किया था इन्होंने, तो इसकी वजह क्या, मतलब आपको क्या नज़र आ रही है इसके, क्या इसमें ये क्या निजी राजकारण दिख रहा है आपको, या तो फिर पब्लिक के लिए फ़ायदे के हिसाब से दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, क्या बताएं? देखिए कोई भी काम होता है वो पब्लिक के फायदे के लिए होना चाहिए, हमने मंजूर किया इसका मतलब इसमें क्या हम हमारे पास से पैसा नहीं लगा रहे, ये गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा है, लोगों के सुविधा के लिए लगना चाहिए, और इसमें पूरी तरह से अच्छी सुविधा लोगों के लिए होनी चाहिए। अभी बीच में रास्ता शुरू करना क्या उनकी भूमिका किसी की रहेगी उसके बीच में, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी यह भूमिका रहेगी कि शुरू से लेकर लास्ट तक रास्ता होना चाहिए, उसमें निधि कम पड़ता है तो हम गवर्नमेंट से MMRDA से और भी निधि मंजूर करके ला सकते हैं, क्योंकि नगर विकास खाता के मंत्री हमारे माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब है, हम उनसे हक से जाके वो निधि ला सकते हैं। पहले के काम जो है, अभी कोई कहता है कि हमने उसमें फॉलोअप लिया जी, हाँ अभी फॉलोअप जो लेना है, अगर कोई फॉलोअप लेता है तो जूने काम का ही फॉलोअप क्यों लेते हैं, वो मेरे आज तक समझ में नहीं आया। अगर फॉलोअप लेना है तो नए काम कर लो, कोई नया प्रोजेक्ट अच्छा सा लाओ भिवंडी के लिए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जूने कामों का फॉलोअप लेने की आवश्यकता नहीं, और ना ये एनुअल फंड है, बहुत बार बोला जाता है कि एनुअल फंड है, एनुअल फंड है, एनुअल फंड जो जो ऐसे हेड है कि उनको एनुअल फंड रहते हैं, वो अगर वो ऑपरेंगे नहीं तो वो मार्च एंडिंग में लैप्स हो जाते हैं, लेकिन ये फंड जो है ये वर्क के ऊपर दिया हुआ फंड है, वो काम के ऊपर दिया फंड है, वहाँ का काम होता है तो ही ये फंड वापर सकते हैं, नहीं तो ये फंड जमा रहता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे टोकना चाहूँगा कि ये जो आप बोल रहे हैं कि जो फंड सैंक्शन हुआ है रोड्स के लिए, तो ये MLA निधि का फंड नहीं है, ये जो MMRDA का मतलब जो डेवलपमेंट का फंड है, ये बिल्कुल ये MLA निधि का फंड नहीं है, ये डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा दिया गया हुआ MMRDA के माध्यम से, उस वक्त के हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने, और उस वक्त हमारे पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब की सिफारिश पर MMRDA से मंजूर हुए ये काम है जी। और वो काम तो वो ये एक साल में लैप्स नहीं होता ये फंड, जब तक वो काम नहीं होगा लैप्स नहीं होने वाला। अच्छा। वो काम जब अभी कुछ कुछ काम में टेक्निकल सैंक्शन में अड़चने आ जाती है तो काम रुक जाते हैं, लेकिन वो फंड रिटर्न नहीं जाता है। अच्छा। और इसको अगर और एक्स्ट्रा निधि चाहिए थी तो इसका फॉलोअप जो कर रहे थे उन लोगों को ये करना चाहिए था कि ये काम अधूरा होता है तो वो पूरा करने के लिए जो टेक्निकल सैंक्शन मिली थी, जो प्रशासकीय मान्यता मिली थी, उसको रिवाइज करके सुप्रमा करके बढ़ा के लेते और वो काम करते तो आज पूरा काम होता था, लेकिन इसमें काम करने की मानसिकता नहीं है, इसमें खाली पॉलिटिक्स करने की या श्रेय लेने की मानसिकता दिख रही है, इतना ही मुझे कहना है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो 600 मीटर बना है तो अगर ये थोड़ा सा हाथ पैर मारते तो हो सकता है कि इसको पूरी मान्यता मिलती, फिर वो क्रेडिट लेने के हकदार रहते पूरे उसके रोड की। बिल्कुल, जब वो उस टाइम जो मंजूरी थी उससे ज़्यादा बढ़ा के लाते तो उसका निश्चित रूप से क्रेडिट उनको जाता था जी। जो भी काम ये कोई भी करता, चाहे MLA करते, चाहे कॉरपोरेटर लोग जाके कॉरपोरेशन से कोई प्रस्ताव ये करके अगर पालक मंत्री से या नगर विकास मंत्री से बढ़ा के लाते तो उसका पूरा क्रेडिट उनको जाता था, लेकिन ये पहले के काम है, इसको नए से कुछ किया नहीं है, इसका फॉलोअप लेने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये काम मंजूर थे, ये काम होने ही थे, लेकिन बीच में इलेक्शन का पीरियड आया, उसके बाद में कोविड का पीरियड आया, इस पीरियड आने की वजह से ये रुके हुए थे, अभी ये काम हो गए हैं, और हम इसलिए ये सब कहते हैं कि ये हमने किया है, ये मुख्यमंत्री का पत्र मेरे नाम से है, MMRDA के नारकर साहब जो है उनका पत्र भी है, और पूरा मेरे लेटर पर मंजूर पत्र है, काम है जी, जी। तो हमने आज जो लोग बोलते हैं ना कि भिवंडी बदल रही है, भिवंडी में बदलाव आया है, ये बदलाव अचानक से आया हुआ नहीं है, ये बदलाव के लिए पिछले 10 सालों से हमने कड़ी मेहनत की थी, इसके लिए आज भिवंडी बदलती दिख रही है, आप बहुत से कामों में देखते होंगे।
ऐसे अचानक से आके हमने कोई जादू की छड़ी लेकर काम नहीं किया या हम कोई जादूगर नहीं है, हम लोगों के बीच में रहकर ग्राउंड रूट पे काम करने वाले कार्यकर्ता है। 8 दिन पहले 3 करोड़ रुपए के काम मंजूर करके लाए हैं, मतलब अभी जस्ट, क्योंकि पालक मंत्री हमारे हैं, नगर विकास मंत्री हमारे हैं, हम जाके उनसे हक से मांगते और वो हमें निधि देते हैं। हमने आज भी ग्राउंड के लिए 10 करोड़ रुपया मांग के लाया है। तालाबों का निधि है जो पर्यटन मंत्री हमारे और पर्यावरण मंत्री माननीय आदित्य जी ठाकरे साहब है उनसे मिलकर हमने भादवट तालाब के लिए 3.7 करोड़ का निधि मंजूर किया है। वराल देवी तालाब के लिए उसका सुशोभीकरण करने के लिए 6 करोड़ के डिमांड किया और उसकी मंजूरी भी उन्होंने दिए है। साथ ही साथ भिवंडी का जो हमारे मीनाताई ठाकरे हॉल जो है, ये नाट्यगृह की हालत खस्ता हालत आप सबको मालूम है। हमें भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि पक्ष की सरकार होने के बावजूद भी उसका ठीक से ये नहीं हो रहा है, तो हमने वो उसके लिए पहले भी डिमांड की थी तो 10 करोड़ रुपया मंजूर भी हुआ था जी। लेकिन वो रिन्यूएट के लिए हुआ था, लेकिन वो रिन्यूएट करने के बावजूद भी वहाँ पर कोई नाट्य कलाकार नहीं आ पाएंगे या वहाँ जाने के लिए जो दिक्कतें हैं, ट्रैफिक की समस्याएँ हैं, मार्केट एरिया है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो वो करके भी उसका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। तो हमने हमारे पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, नगर विकास मंत्री जी के पास ये प्रस्ताव रखा है कि वो नाट्यगृह हमें कहीं दूसरी जगह जहाँ ओपन स्पेस पे कॉरपोरेशन का रिजर्वेशन प्लॉट जहाँ पर रहेगा, जहाँ ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी, आने वाले जो कलाकार हैं उनके लिए सुविधा बने और लोग भी वहाँ उसका लाभ ले सके, ऐसी जगह कहीं भी ये करके देने के का उन्होंने ये किया है कि हम आयुक्त से बात करके ऐसा कोई रिजर्वेशन प्लॉट रहेगा तो वहाँ पर वो मीनाताई ठाकरे हॉल निर्माण करेंगे। नया निर्माणी के लिए 25 करोड़ की डिमांड हमने की है, वो भी जल्द से जल्द उन्होंने पूरा करने का वादा किया है और उस पर हमारे लेटर पे उन्होंने इंडोर्स भी दिया है और वो जब भी निधि मंजूर होगा हम आपको निश्चित रूप से बताएंगे। और ये फ्यूचर प्लान के लिए है, क्योंकि अभी वो रिन्यूएट करके उसका फायदा नहीं होने वाला, कुछ काम ऐसा करो कि लोगों को उसका फायदा होना चाहिए। और ये हमारे प्रोजेक्ट आगे निश्चित रूप से आने वाले हैं, कोई लोग उसमें भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर सकते हैं, इसके लिए पहले ही हमने ये बता दिए। आखिरी मैं बात यहाँ पे दादा आपको थोड़ा सा बीच में बोलूँगा कि ये जो काम तो हो रहे बकायदा हम देख रहे हैं कि काम हो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो काम की जो क्वालिटी चेक होना चाहिए तो उसके ऊपर भी सवाल आता है, तो क्वालिटी काम कैसे हो, तो इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब ये मेरा एक पर्सनल ये है। निश्चित रूप से जो भी काम होता है उसकी क्वालिटी और वो क्वालिटी मेंटेन करने का काम वो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से होना चाहिए। इसके लिए अपना क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो भी संस्था है, जैसे MMRDA का काम है तो MMRDA कर सकती है, कॉरपोरेशन के इंजीनियर कर सकते हैं, वो अगर PWD को देते हैं तो PWD काम कर रही है फिर भी कॉरपोरेशन के इंजीनियर उस पर सुपरवाइजिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉरपोरेशन के अंदर काम हो रहा है, कॉरपोरेशन के NOC के बगैर काम होता ही नहीं है। तो उनका काम है कि कॉरपोरेशन के जो भी इंजीनियर है उन्होंने वो काम ठीक तरह से होता है या नहीं होता है इसको चेक करना जरूरी है, क्योंकि वो कॉरपोरेशन के इंजीनियर उस पर क्वालिटी कंट्रोल का काम कर सकते हैं, उसके ऊपर सुपरवाइजिंग कर सकते हैं, तो वो काम उनका है, उनको उन्होंने करके लेना चाहिए जो उनके तज्ञ, इसके लिए तो उनको इंजीनियर रखा हुआ है, तो उनको वो काम करना चाहिए। अगर उसमें वो भी कुछ ये गलत करते हैं तो निश्चित रूप से इसकी शिकायत होनी चाहिए, डिपार्टमेंटली होनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे जो रुपेश दादा है उन्होंने बहुत सारी बातें स्पष्ट की और ख़ास करके उन्होंने ये बताया कि इनके क्या क्या फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं जो इन्होंने प्रस्ताव दे चुके हैं और वो हो सकता है कि उसकी मान्यता मिले और बहुत जल्दी जो है काम शुरू हो जाए। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।